वेलकम बैक टू एलटी व्लॉग्स। उम्मीद है इस नए साल में भाई तुम सब बढ़िया चल रहे होगे। तो भाई आज वो दिन आ गया है जब हम तकरीबन एक साल और चार महीने बाद उबर की वीडियो बनाने वाले हैं। ठीक है, उस टाइम मैंने जो नवंबर 2020 में वीडियो डाली थी, दैट वाज उबर इट्स ऑन साइकिल, एंड भाई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। सब लोग मतलब पागलपन हो गया था उस वीडियो के पीछे। ठीक है, तो भाई ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं उबर अब नहीं करता, मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। मैंने लिटरली 8-9 महीने से उबर नहीं किया, अपार्ट फ्रॉम दिस पास्ट फ्यू वीक्स जब लॉकडाउन लगा था और जब हमारा क्लब बंद था, क्योंकि ऑब्वियसली तो मैं कहीं से तो पैसे लाने पड़ेंगे, तो मैंने तब उबर की थी। तो आज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ उबर इट्स इन कार, पर्थ में क्या ट्रेंड होता है, कितने पैसे तुम कमा सकते हो पर ट्रिप, कितने पैसे तुम कर सकते हो एक घंटे में, ठीक है, और कितने पैसे तुम सिमिलरली कर सकते हो तीन घंटे में, चार घंटे में। तो आज भाई वीडियो चालू, मेरे को पता नहीं मैं वीडियो कैसे फ्रेम करने वाला हूँ, बट आई एम गेसिंग कि जैसे जैसे वीडियो चलती रहेगी मैं उसको फ्रेम करता रहूंगा अकॉर्डिंगली और तुमसे बात करता रहूंगा। सेकेंडली स्पीकिंग, आज है मंडे इवनिंग हो रही है, अराउंड 7:15 हो रहे हैं अभी हम स्टार्ट करेंगे। मेरे को बिल्कुल नहीं पता भाई मंडे का ट्रेंड क्या होता है, बट होपफुली एटलीस्ट $25 पर आर हम कर लेंगे। तो लेट्स अगर हम दो घंटे करते हैं तो हमारे 50 हो जाने चाहिए, तीन घंटे करते हैं तो 75 हो जाना चाहिए, अकॉर्डिंगली बात करेंगे। अभी हम गाड़ी में हैं, ट्रिप की मैं वेट कर रहा हूँ। इवन दो हम सिटी में हैं, लाइक बिल्कुल सेंटर ऑफ द सिटी में नहीं है, नॉट इन द सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, सिटी में है, बट क्योंकि यार मंडे ऐसा दिन है इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल, हो सकता है रात को बिजी हो जाए शाम को डेड हो, या हो सकता है शाम को सडनली बिजी हो जाए रात को बिल्कुल ही डेड जाए। तो सिमिलरली वो देखते हैं, बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। वी आर जस्ट वेटिंग ऑन आवर फर्स्ट ट्रिप, जैसे ट्रिप आती है आगे वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई अपने साथ एक छोटी सी ट्रेजेडी और हुई है कि भाई मैंने GoPro बिल्कुल चार्ज नहीं किया था, मेरे को याद ही नहीं था एक्चुअली, क्योंकि जब हम उबर की वीडियो बनाते हैं तो एक दूसरा सही होता साथ में, जिससे मैं फोन में दिखा सकूँ कौन सी ट्रिप आ रही है कौन सी ट्रिप जा रही है। रुको जरा, पीछे गाड़ी है, एक निकल जाएगा। हाँ, तो एक डिवाइस और होना जरूरी है, चाहे वो दूसरा फोन है एटलीस्ट GoPro। तो मैंने GoPro गाड़ी में चार्ज पे लगाया, देखते हैं भाई कब तक ये चार्ज हो रहा था, क्योंकि मेरे को डाउट है, क्योंकि बिल्कुल ही डेड बैटरी थी। तो होपफुली थोड़े शॉट्स मेरे को तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे दिखाने पड़ेंगे और कुछ कुछ शॉट तो भाई GoPro से लेते रहेंगे, तो देखते हैं। तो भाई बिना किसी देरी के उबर स्टार्ट करते हैं। तो यार अपना उबर ड्राइवर का ऐप तुम देख सकते हो, अभी बिल्कुल हमने कुछ शुरुआत नहीं की है, ठीक है, टुडे 00 और ये हमारा मैप है। तो अभी चलते हैं ऑनलाइन, अब वेट करते हैं कि ट्रिप कब तक आती है। और एक चीज़ और तुम देख सकते हो, देख रहे हो $1.5 लगा हुआ है, ये बूस्ट लगा हुआ है कि भाई अगर तुम इस एरिया में डिलीवरी करते हो तो जो भी तुम्हारा, देखो भाई डिलीवरी आ चुकी है $10 की, दो डिलीवरीज हैं, 21 मिनट लगेंगे और सिर्फ 4 किलोमीटर जाना। तो भाई बिल्कुल बढ़िया डिलीवरी है, एक्सेप्ट कर लेते हैं इसको, बस टैप करना और एक्सेप्ट होगी डिलीवरी, ठीक है। अब प्रॉपर मैप आ जाएगा जहाँ से उठाना सामान, ठीक है। तो चलते हैं बिना किसी देरी के। और ये जो एरिया है ना विलियम स्ट्रीट भाई, ये बहुत भीड़ होती है यहाँ पे, तो गाड़ी की पार्किंग पहले ढूंढनी पड़ेगी और होपफुली वो रेस्टोरेंट के पास मिल जाएगी, वरना गाड़ी दूर लगानी पड़ेगी और पैदल जाना पड़ेगा, फ़ायदा नहीं है। भाई पिछले कुछ दिनों से इतनी ज़्यादा गर्मी चल रही है कि भाई पूछो ही मत, आज फॉर अ चेंज मौसम थोड़ा अच्छा है तो आज हम खिड़की खोल के गाड़ी चलाएंगे। तो भाई हमारी पहली ट्रिप है नैंडोज की, हमें दो ऑर्डर उठाने हैं। और भाई आज किस्मत इतनी बढ़िया है ना, ये विलियम स्ट्रीट है बहुत बिजी रहती है, आज मुझे लिटरली नैंडोज के सामने ही पार्किंग मिल गई। तो भाई आई थैंक माय लकी स्टार्स, क्योंकि भाई सिटी में पार्किंग ढूंढना बहुत ही ज़्यादा टफ हो चुका है। तो अब ऑर्डर उठाते हैं और फिर चालू करते हैं आगे से। तो भाई अपन ने पहला पिकअप उठा लिया है नैंडोज से, ये रही अपनी गाड़ी, और दूसरा पिकअप भाई अनफॉर्चुनेटली किसी और रेस्टोरेंट में जाना पड़ेगा, तो देखते हैं दूसरा कहाँ पे है। तो भाई जैसे तुम देखोगे यू अराइव्ड, फर्स्ट पिकअप हमारा नैंडोज से था, ऊपर हो भाई नैंडोज से था, आइजक का था, उठा लिया। अब हम करेंगे नेक्स्ट पिकअप के लिए, तो जैसे नेक्स्ट पिकअप पर स्लाइड मारेंगे तब ये बताएगा दूसरा रेस्टोरेंट कौन सा है। तो भाई दूसरा रेस्टोरेंट है हंगरी जैक, जो बिल्कुल हमसे बस 100 मीटर की दूरी पर है। तो मैं पार्किंग चेंज नहीं करूँगा, क्योंकि भाई पार्किंग ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो जैसे ही मैं ये गाड़ी देख रहा हूँ, जैसे ये जो बिल्डिंग है ना लिटरली इसके सामने हंगरी जैक है, तो मैं पैदल ही जाऊँगा और पैदल ही वापस आऊँगा, देन हम स्टार्ट करेंगे डिलीवरी। वो इसके पीछे खड़ी अपनी गाड़ी, एंड सेकंड पिकअप भी अपना हो गया, सीधा गाड़ी में चलते हैं और डिलीवरी स्टार्ट करते हैं। टेप सी देख रहे हो बैग से, बैग पे जो लगी हुई है, ये टेप इसलिए होती है कि भाई जैसे हम जैसे ड्राइवर हैं डिलीवरी कर रहे होते हैं, तो ऐसा ना हो कि हम थैली खोल के खाना खा जाए इनका और फिर रेस्टोरेंट पर ब्लेम करते कि भाई इन्होंने तो खाना दिया ही नहीं था हमें, इसलिए सेफ्टी टेप हमेशा लगी होती है हर बैग पर। तो भाई पहला पिकअप हो गया हमारा, लाइक पहले दो पिकअप हो गए हैं, दोनों इस बैग के अंडर हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे एक पॉलिसी ये भी है कि अगर रेस्टोरेंट में जाओगे तुम बिना इंसुलेटेड बैग के, तो भाई कई रेस्टोरेंट मना कर देते हैं खाना देने से। तो भाई तुम्हें बैग हमेशा तुम्हारे साथ होना चाहिए, रेस्टोरेंट चाहे मांगे या ना मांगे, कभी भी नीड पड़ सकती है। तो मैंने सेकंड पिकअप भी हो गया, अब हम स्टार्ट करेंगे डिलीवरी, स्टार्ट डिलीवरी। तो अभी तुम्हें डायरेक्शन दे देगा कि कहाँ पे है। तो भाई जैसे ये बहुत पास की है, तो जल्दी फटाफट इसको करते हैं, नेक्स्ट वाली भी करते हैं, फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इस ट्रिप के टोटल पैसे कितने बने और कितना डिस्टेंस हमने कवर किया। और भाई बहुत बार क्या होता है, जो ऊबर के मैप्स पे जो रास्ते आते हैं ना भाई, बिल्कुल गलत आते हैं, क्योंकि कभी कभी बोलता है यहाँ से यू टर्न लो वहाँ से यू टर्न लो, जबकि एक्चुअली में तुम गाड़ी सीधा लेफ्ट राइट ले सकते हो। सो आई वुड रिकमेंड, अगर तुम उबर इट्स कर रहे हो तो भाई उबर के मैप सबसे वाहियात मैप्स हैं,
गूगल मैप से एप्पल मैप से प्रेफर कर लो, वो बेटर है और तुम्हें सीधा रास्ता दिखाएगा शॉर्टकट्स के साथ। तो आई वुड स्टिल प्रेफर द नॉर्मल मैप एनी डे। भाई आसमान के कलर देखो आज, इतने दिनों बाद इतना बढ़िया मौसम है कि मन कर रहा है मेरा शीशा डाउन करके गाड़ी चलाने का। भाई दूसरी डिलीवरी के लिए भाई मैं लिफ्ट में ऊपर आना पड़ा, इसकी स्टोरी मैं तुम्हें बताता हूँ अभी नीचे जाके, ठीक है स्टे ट्यून। हाँ तो भाई पहला वाला जो बंदा था वो एकदम मस्त पोलाइट बंदा था, होटल की डिलीवरी थी, वो बंदा भाई ऊपर से नीचे भी आया, पोलाइटली बात की और भाई ने $1.50 की टिप भी दी। बट ये जो मैं जिस बंदी को ड्रॉप कर रहा हूँ पीछे, माय किड इज क्राइंग कैन यू कम अपस्टेयर्स, माय बेल इज नॉट वर्किंग कैन यू रिंग मी अगेन, मतलब कुछ कुछ कस्टमर तो तुम्हें भाई देखो 95% तो कस्टमर तुम्हें मिलेंगे पोलाइट जो खुद नीचे आके तुमसे सामान ले लेंगे, बट कुछ 5% तुम्हें ऐसे भी मिलेंगे जो तुम्हें ऊपर तक बुलाएंगे ढंग से बात भी नहीं करेंगे, बट ठीक है तुम उनको कुछ कह नहीं सकते क्योंकि तुम्हें अपनी रेटिंग मेंटेन करनी है, ठीक है तुम्हारा भाई का 98% पॉजिटिव फीडबैक है उसको नेगेटिव में तकदीर नहीं करना, ठीक है। तो चलते हैं अगली डिलीवरी पर। जैसे तुम डिलीवरी करते हो तो ये बोलता है भाई फोटो अटैच वगैरह करने को भाई ये, लेकिन हम नहीं करेंगे, एक मिनट जरा गाड़ी आ रही पीछे से। हाँ तो फिर हमने क्या करना है, वैसे टेक फोटो के ऑप्शन पर जाएंगे, ये कर देंगे इसको स्किप क्योंकि भाई कोई जरूरत नहीं है, स्किप एंड ऐड नोट। इसके बाद अपन लोग यहाँ पे कर देंगे डन और नीचे एक डिलीवरी का ऑप्शन आ जाएगा, कहेंगे डिलीवर्ड, इस पर क्लिक कर देना है और बस डिलीवरी हो गई। और जैसे तुम देख सकते हो अगली ट्रिप रेडी है, तो बिना टाइम डिले करते हुए वहाँ चलते हैं। तो भाई जब से ऊबर की नई अपडेट आई है ऐसा हुआ कि जब तुम्हारी कोई ट्रिप पे हो तो मान लो, ठीक है, तो वो ट्रिप खत्म होने से पहले अगर नियर बाय कोई ट्रिप अवेलेबल है तो भाई तुम्हें वो तुम्हारी ट्रिप खत्म होने से पहले ही भेज देते हैं, जैसा कि मेरे को, मैंने डिलीवर किया बट उससे पहले ही ट्रिप आ चुकी है मेरे को। तो यार तुम देख सकते हो कि दो ट्रिप्स हमने कंप्लीट कर ली हैं और अमाउंट आ चुका है 10 जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में दिखाया था। अब चलते हैं तीसरी डिलीवरी पर, वो भी मेरे को लग रहा है पिकअप पास में ही है और उसके आगे का फिर देखते हैं क्या सीन है। और भाई तुम चाहो तो हमेशा अपने साथ कोई एनर्जी ड्रिंक या फिर पानी जरूर रखना क्योंकि बाहर से खरीदोगे महंगा पड़ता है। सो आई जस्ट कैरी दिस वी, वी इज़ अ गुड ड्रिंक, ऑस्ट्रेलिया होगा तो भाई बिल्कुल ट्राई करना, ठीक है मना नहीं करना चाहिए कोई। सिटी में ऊबर करने का ये एडवांटेज भी है कि भाई तुम्हें ना ट्रिप्स के लिए वेट नहीं करना पड़ता, जैसे मैंने तुम्हें अभी दिखाया दो ट्रिप्स पहले तो एक साथ आ गई वो अपना बोनस, और जैसे ही वो ट्रिप खत्म हुई मेरे पास तीसरी ट्रिप पहले रेडी थी। तो तुम अगर सबर्ब साइड में जाओगे तो ऑब्वियसली ट्रिप तुम्हें थोड़ी कम मिलेंगी, बट वो पे कभी कभी अच्छा कर देते हैं बिकॉज उनके पास ड्राइवर कम होते हैं, ठीक है सिटी में ड्राइवर बहुत ज्यादा होते हैं बट अकॉर्डिंगली ट्रिप्स भी बहुत ज्यादा होती हैं, सो आई थिंक इट काइंड ऑफ बैलेंसेस इट आउट। तो भाई अगला पिकअप जहाँ से है हमारा उसका नाम है रॉयल कंबोडिया, एंड भाई अगर तुम्हें लाइट कम लगे तो भाई बिल्कुल हाथ जोड़ के सॉरी, ना मेरे पास दूसरा फोन था ना मेरे पास GoPro था, अगर मैंने नेक्स्ट कोई वीडियो बनाई ओवर इट्स की रात में तो भाई तुम्हें अल्टीमेट क्लैरिटी मिलेगी, बट जस्ट फॉरगिव मी फॉर दिस वीडियो, ठीक है अगली वीडियो में पक्का इसकी भरपाई कर देंगे। भाई तीसरा पिकअप पता नहीं कहाँ है, 5 मिनट से चल रहा हूँ मैं, मिल नहीं रहा है मेरे को, और इंस्ट्रक्शन भी ऐसे लिखी हुई है कि भाई यहाँ से लेफ्ट ले लो, सीढ़ियों से राइट ले लेना, एक फाउंटेन मिलेगा तो मैं वहाँ से देख लेना। अब भाई मैप को फॉलो करना होता है हमें और मैप के हिसाब से तुम्हारी लोकेशन बिल्कुल गलत है। मिल गया अपने को रेस्टोरेंट, पता लोकेशन में लिखा था यहाँ पे रेस्टोरेंट, बट भाई वो देख रहे हो नीचे जा गया है, मतलब 50 मीटर की वॉक के बाद मिला है मेरे को। खैर ये वाला ड्रॉप ऑफ थोड़ा सा दूर है, जो इसका एस्टिमेटेड प्राइस था वो था कि हमें एटलीस्ट $8 मिल जाने चाहिए, बट आई थिंक इट विल बी मोर देन 9, बट बाकी देखते हैं। चालू करते हैं डिलीवरी। मेरी भाई अपनी गाड़ी और हमारी गाड़ी का जो प्लस पॉइंट है जो शायद तुम्हें अभी तक पता नहीं होगा, हमारी कार है डीजल, तो भाई ऐसी डिलीवरीज में ना सबसे बेटर कार है ये क्योंकि भाई तुम्हें पता है डीजल की इकोनॉमी बेटर होती है, तो अगर हम सिमिलरली पेट्रोल कार पर कर रहे होते तो भाई हमारा फ्यूल बहुत ज़्यादा, बट इस पर हमारा फ्यूल एकदम मस्त, मतलब फुल टैंक तो पता नहीं मैं भाई 1000-1200 की डिलीवरी कर दूंगा और फुल टैंक होता है $50-60 का, तो काफ़ी बेनिफिशियल है। तुम भी अगर पर्थ आ रहे हो और तुम्हारा ओबर इट्स करने का प्लान है तो भाई बिल्कुल डीजल गाड़ी पे इन्वेस्ट करना, ना कि पेट्रोल गाड़ी पे। ना चाहे गलती हमसे पता क्या हो गई है कि जो विंडशील्ड देख रहे हैं अभी बहुत मैली सी हो रखी है, अगर ये साफ होती ना तो भाई ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया वीडियो बनती, क्या टाइम लैप्स बनते, बट भाई टेंशन मत लो आगे वीडियो आएगी उसमें सब रिपेयर कर देंगे, ठीक है। और अगर तुम्हें इस वीडियो में कोई कमी लगे या कोई मैंने पॉइंट मिस कर दिया तो भाई बिल्कुल कमेंट करके बताना। हाँ भाई यहाँ थोड़ी लाइट आ रही है, यहाँ बोल देते हैं अभी ये जिस बंदे को भाई मैंने डिलीवरी दी इतना बढ़िया बंदा था, मैं इसके घर के सामने पहुंचा ही था भाई, नीचे मिला पहली बात तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, और दूसरा भाई मेरे को गाड़ी से उतरने नहीं दिया भैया जी ने, मैंने बैग से सामान निकाला और भाई यहीं से दे दिया टाटा बाय बाय। तो भाई अपना शायद फ्यूल ख़त्म हो सकता है डिलीवरी करते करते, तो अगर फ्यूल ख़त्म हुआ जस्ट इन केस तो भाई वो भी शॉर्ट मिलेंगे, बताएंगे फ्यूल कितने का पड़ा, और क्योंकि हम ऊबर ड्राइवर हैं हमें फ्यूल पे भाई एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलता है। ये देख रहे हो भाई दो पेट्रोल पंप, वो है बीपी, ये अपना 7-Eleven, भाई बहुत ज़्यादा राइवलरी है इनकी, लेकिन जो हम फ्यूल भरवाते हैं वो भरवाते हैं हम भाई कैलटेक से, कैलटेक इज एम्पोल, सबसे प्रीमियम फ्यूल उसका ही होता है, मैंने खुद कितनी बार भरवाया, बट डीजल वहाँ से थोड़ा महंगा आता है, बट भाई सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग वही है, 50-60 किलोमीटर तुम्हें फुल टैंक पे वो एक्स्ट्रा दे देता है। तो भाई चौथा पिकअप हमने अपना उठा लिया, बहुत ही ज़्यादा गंदी स्मेल है भाई, इसकी थाई खाना था मतलब बर्दाश्त के बाहर है। खैर अपडेट देंगे तुम्हें इसके बाद क्योंकि जब तक हमें अपनी फोर्थ डिलीवरी करेंगे
हमारे को ऑलमोस्ट एक घंटा हो जाएगा, तो तुम्हें काइंड ऑफ अपडेट भी मिल जाएगी कि भाई एक घंटे में कितने पैसे बन सकता है तुम्हारे ऊबर ईट्स में इन द कार। मतलब एग्जैक्ट एक घंटा नहीं, एक घंटा पाँच मिनट, एक घंटा सवा मिनट होगा, तो उसके बाद देखते कितने पैसे बने और उसके बाद बात करते हैं आगे की। भाई वो था अपना पिकअप रेस्टोरेंट सड़क के पार, और इस भाई ने इतना सारा खाना मंगाया, ये तीनों बैग एक ही बंदे के हैं। मतलब भाई हम पे भी दया करो थोड़ी, कैरी कैसे करेंगे सामान को। वो तो अच्छा मैं भी गाड़ी में कर रहा हूँ, साइकिल वाला होता तो उसकी तो बैंड बज जानी थी। तो फिर रात हो चुकी है, अंधेरा बढ़ चुका है और मेरी वीडियोस भाई शायद थोड़ी और फटना चालू हो जाएंगी, तो भाई प्लीज बेयर विद मी, ठीक है। तो भाई पता नहीं कौन सा सबब मैं कस्टमर की वेट कर रहा हूँ, मैं पता नहीं ये घर है कि सामने वाला घर है, चांद भी देख लो भाई इसी बात पर। इतनी दूर सैर करा दी भाई साहब ने, एड्रेस ही गलत डाला हुआ था। तालियां बजती रहनी चाहिए ऐसे लोगों के लिए भाई। भाई जैसा मैंने तुम्हें बताया था, अब वक्त तुम्हें अपडेट देने का कि हमें एग्जैक्टली, अब एग्जैक्ट बताऊं तो एक घंटा और 14 मिनट हो गए हमें निकले हुए, और हमारे कुछ पैसे हो गए हैं $31, ठीक है। तो ये तब हालत है जब भाई बिल्कुल ही शांत माहौल था, आज मंडे नाइट है, क्योंकि अगर यही फ्राइडे या सैटरडे होता तो भाई अभी तक मेरे साथ 50-55 हो चुके होते और एक साथ तीन तीन चार चार ऑर्डर में लेके जा रहा होता। अभी तो मैंने सिर्फ एक ही ट्रवाई थी, वो भी दो डिलीवरी जिसमें एक साथ ली, तो मैं दिखाया था। तो भाई ये रही स्क्रीन तुम्हारे सामने, एज यू कैन सी साफ अक्षरों में $31.05 हो चुके हैं हमारे, अभी भी हम ऑनलाइन है। बट एज यू कैन सी सिटी से यहाँ है सिटी और यहाँ हम आ चुके हैं डिलीवरी करते करते, तो आई थिंक बिकॉज इट्स मंडे नाइट और ज़्यादा बिजी नहीं है आज, तो वापस सिटी की तरफ जाएंगे डिलीवरीज लेने। तो भाई रात को सबर्ब्स में यू नो डिलीवरीज करना थोड़ा डॉजी हो जाता है, डॉजी आज थोड़ा रिस्की हो जाता है, बट अगर जब तक तुम यू नो लाइट्स के आसपास हो तब तक बिल्कुल सेफ है। बट कुछ कुछ सबर्ब्स होते हैं भाई जिसमें बिल्कुल लाइट नहीं होती, रात को घरों की लाइट तक नहीं जल रही होती, तो भाई वहाँ जाना अवॉइड करना मेरी तरफ से, तो अगर सिंगल पीस में वापस आना है। तो भाई मैं बहुत देर से गाड़ी में ढूंढ रहा था बाथरूम, ठीक है, बाथरूम मिला नहीं, पब्लिक टॉयलेट्स वहाँ पे यूजुअली कम होते हैं। बट अगर तुम हंग्री जैक्स से मैकडॉनल्ड्स के ट्रिप आते हो तो तुम वहाँ पे ये फ्री वॉशरूम की सुविधा का यूज़ कर सकते हो, और तुम्हें अगर पानी चाहिए तो तुम्हें फ्री पानी भी देंगे। जिस सबब में हमने अभी डिलीवरी दी है बहुत ही सेक्सी सबब है, हर घर के देखो इतने बड़े बड़े गैरेज बने हुए हैं और लिटरली रिवर के साइड में, तो इन घरों के पीछे एक्चुअली में रिवर है, ऑब्वियसली तुम्हें यहाँ से नहीं दिख रहा होगा, बट क्योंकि मैं मैप पे देख रहा था आई सॉ द रिवर, एंड तुम्हें अपडेट दे जाए कि कितना टाइम हो गया और कितने हमारे पैसे हो गए। भाई एक घंटा 50 मिनट हो गया हमें और हमारे हो गए हैं $46। तो भाई ये थोड़ा कम है क्योंकि अभी हम थोड़ा जल्दी सिटी से काफ़ी दूर आ गए हैं, काफ़ी दूर। ये हमारी लोकेशन है, अभी भी सिटी नहीं दिख रही, पहले इसको सीधा किया जाए। ये हम हैं और भाई ये है पर्ट सिटी, ठीक है, तो काफ़ी दूर है हम और यहाँ पर ट्रिप्स बहुत ही कम आ रही है, इवन दो इट्स मंडे बट ट्रिप थोड़ी ज़्यादा आनी चाहिए। बट अभी हम दोबारा सिटी जाएंगे और देखते हैं कि वहाँ पर कैसा सीन है, तो कंटिन्यू तो अभी करेंगे अगर अच्छी अच्छी खासी ट्रिप्स हैं। अगर ट्रिप्स नहीं आ रहे होंगे तो भी आज का धंधा ये बंद हो जाएगा, तो सिटी में जाकर देखते हैं क्या स्टेटस है। तो भाई ट्रिप कर करके हम सिटी से सबर्ब में गए, सबर्ब से वापस सिटी में आ गए, और ये तो बिल्कुल मैं अपने घर के नीचे आ गया हूँ डिलीवरी करने बाय कोइंसिडेंस। बोनस टिप, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जितने भी पे फोन होते हैं सारे के सारे फ्री होते हैं, ठीक है, खासकर टेलस्ट्रा के। ये पता नहीं अपनी कौन सी छठी या सातवीं ट्रिप है, तो मैकडोनल्ड्स की ट्रिप आई है, वो रहा सामने सिटी वाला मैकडोनल्ड्स ही है, और अभी तक हमारे 2.5 घंटे में हो चुके हैं, 64 या 65 हो चुके हैं, अभी एग्जैक्ट मैं दिखाऊंगा, 2 hours and 25 minutes हो चुके हैं हमें। अपडेट मंडे है तो आज भाई थोड़ा क्वाइट जा रहा है, बीच में थोड़ा बड़ा ब्रेक भी लेना पड़ रहा है, लाइक घूमते रहो ट्रिप नहीं आ रही जब तक, बट इट इज स्टिल गुड भाई, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे मेरे को पता है कि 400-450 का धंधा हो जाता है 4 घंटे में ईजिली, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर तुम मंडे देखो जो कि बिल्कुल ही डेड है आज, बट स्टिल इट्स बेटर देन नॉर्मल कि भाई तुम्हारा 25 या 30 का एवरेज तो बन ही रहा है घंटे का, विच इज जस्टिफाइड। तो भाई यहाँ पे एक और ग्लिम्स है कि मैं ऑनलाइन देखो 3 घंटे और 3 मिनट हो गए हैं और हमारे अकाउंट में बन चुके हैं $78.27। भाई 3 घंटे के हिसाब से 78 आई थिंक इज प्रीटी गुड, क्योंकि तुम्हें पता है पहली बात तो आज मंडे है, ज़्यादा बिजी है नहीं और अभी भी हम सिटी में घूम रहे हैं, सो आई थिंक मंडे के हिसाब से मैं इसको सक्सेस मानूंगा एक। भाई तुमने शॉर्ट में देख लिया कि $78 हो चुके हैं हमारे, ठीक है, 3 घंटे से डिवाइड कर लो तो अराउंड तुम्हें 26 की एवरेज पता लग जाएगी। तो अभी हम कितनी देर और करने हैं भाई मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि पहली बात तो देखो डेड है आज थोड़ा, बट ट्रिप्स आ रही हैं तो मेरा मकसद यह है कि कल ज़्यादा कुछ काम है नहीं अपने को, तो आज अगर हम लेट नाइट तक भी कर लेते हैं उबर तो आई थिंक इट विल बी वर्थ इट, क्योंकि रात में ड्राइवर्स बहुत कम होते हैं और डिलीवरीज काफ़ी आती हैं, तो मेरे को मंडे रात का ट्रेंड नहीं पता, शाम वॉज क्वाइट गुड कम्पेयर टू अ मंडे, तो अब देखते हैं रात का क्या सीन है। तो भाई वक्त है तुम्हें एक और अपडेट देने का, तो भाई काफ़ी रात हो चुकी है, 11:10 हो रहे हैं, हमें तकरीबन 3 घंटे और 40 मिनट हो गए हैं उबर करते हुए और हमारे अकाउंट में हो चुके हैं $100।
ये मैं अभी अपनी शायद 11th या 12th ट्रिप पे हूँ या 13th ट्रिप में, भाई साहब नहीं पता, अभी फोन में देख के पता लगेगा। तो अभी अभी तक सही जा रहा है, अभी तक मतलब मुझे ज़्यादा वेट करने की नीड नहीं हुई है। हर डिलीवरी करते ही विद इन 2 मिनट्स मेरे पास एक और ट्रिप आ रही है, विच मीन्स इट इज़ स्टिल बिजी। तो मैं तब तक करने वाला हूँ जब तक मेरे पास यार ट्रिप्स आनी बंद हो जाए, ठीक है। जब ट्रिप बंद हो जाएंगी आनी, तब हम घर चले जाएंगे। वीडियो में तुम्हें बताया था ज़्यादा कुछ कल काम है नहीं अपने को, तो अगर हम आज कम से कम 2 बजे तक भी कर लें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो तुम्हें बताते हैं कि क्या सीन है इसके बाद का। तो भाई काफ़ी ज़्यादा मजदूरी के बाद मैं जस्ट अभी घर आया हूँ, अभी एंटर हुआ हूँ मैं अंदर। जो भी आज की अर्निंग का स्टार्ट है वो तुम्हारी स्क्रीन पे होगा, लेफ्ट राइट साइड पे स्क्रीनशॉट होगा बढ़िया सा, ठीक है। तुम देख सकते हो आज हमारे पैसे कितने हैं, आई थिंक इट्स $181 टू बी प्रिसाइज, कितने घंटे काम किए वो भी लिखा है। और भाई नॉर्मली ऊबर में बहुत सारे प्रमोशंस होते हैं, ठीक है, जिससे तुम्हें $50 $60 एक्स्ट्रा मिल जाता है, बट आज कोई प्रमोशन नहीं था। तो उसके बावजूद हमारे 6 घंटे में हो गया $180। एवरेज निकालोगे तो तुम्हें कोई $30 पर आर पड़ेगा, विच इज रीजनेबली गुड, क्योंकि पहली बात आज मंडे था, इतना बिजी नहीं था, क्योंकि यूजुअली मैंने तुम्हें बताया था कि तीन ट्रिप्स मिलती हैं एक साथ, आज वो नहीं मिली, बट उसके बावजूद इतना सही हो गया। सो आई गेस इट वॉज अ गुड डे फॉर अस। तो आज वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। तुम्हें और कुछ कंटेंट चाहिए हो फ्यूचर में तो भाई बिल्कुल नीचे कमेंट कर सकते हो तुम, जैसे ही नेक्स्ट टाइम मिलेगा बिल्कुल पब्लिश करेंगे वीडियो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, पसंद आए हो तो बिल्कुल लाइक कर देना, और अगर तुम्हें ऐसा कंटेंट और चाहिए तो सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।